गोरखपुर पुलिस ने नशे के सौदागर पर कार्रवाई करते हुए उससे 4 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पकड़ा गया आरोपी सतीश सोनकर MGM स्कूल के पास रहने वाला है और लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार करता है। गोरखपुर पुलिस की माने तो जब्त शराब की कीमत लगभग 28,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी सतीश टपरिया से शराब की सप्लाई करता है और जिस पर पुलिस ने छापा मारा तो वहां पर पुलिस को लगभग 4 पेटी अवैध शराब मिली है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हाँ, कल पुलिस को सूचना मिली कि एक सतीश सोनकर नाम का व्यक्ति MGM स्कूल के पास मैदान में लुक छुप कर दारू बेच रहा है अवैध तरीके से। पुलिस ने उसको घेराबंदी करके पकड़ा। उसके पास 5 पेटी दारू कुल 350 पाव मिले, जिसमें से 2 देसी प्लेन की पेटी है और 3 मसाला की के शराब है और कुल उससे ऐसे 350 पाव जब्त किए गए। 34-2 में उस पर कार्रवाई की गई है। पुराना रिकॉर्ड है? हाँ, ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पहले भी ये कई बार इसी तरह से अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।